आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, क्वेश्चन है, एन ओलेफिनिक कंपाउंड ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस प्रोड्यूसेस फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड 1,3 प्रोपेन डाइएल, द IUPAC नेम ऑफ एल्कीन इज। तो उस एल्कीन का ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आपको नाम बताना है जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करने पर आपको प्रोडक्ट दे रही है फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, 1,3 प्रोपेन डाइएल। तो ये आपको कंपाउंड मिल रहे हैं ओजोनोलिसिस करने पर, तो आपको उस मतलब उसका IUPAC नेम बताना है जो एल्कीन आपकी, जिस एल्कीन से आपका ये प्रोडक्ट मिल रहे होंगे। तो अगर हम बात करें कि रिडक्टो ओजोनोलिसिस की बात करें, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर कोई एल्कीन है, लेट सपोज इट इज द एल्कीन, और इस पे अगर हम ओजोनोलिसिस और Me2S, मतलब ये रिडक्टो ओजोनोलिसिस का साइन, मतलब ये आपके रिएजेंट हो गए। तो रिडक्टो ओजोनोलिसिस में होता क्या है कि जब भी हम रिडक्टो ओजोनोलिसिस कराते हैं तो होगा क्या कि जहां पर ये एल्कीन ग्रुप है वहां से आपका बॉन्ड टूट जाएगा और उस जगह पर हम लगा देंगे डबल बॉन्ड O, और इधर भी डबल बॉन्ड O ये लगा देंगे। ये हमारा तरीका, बीच में आपका प्लस, ठीक है। तो दोनों अलग अलग कंपाउंड बन गए। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अगर ये जो क्लीविज हुई है, ये जो कार्बन था, ये अगर प्राइमरी रहा होगा, प्राइमरी मतलब कहने का मतलब है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन रहा होगा, या मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपका किसी एक ही कार्बन से जुड़ा होगा, मतलब दूसरा आपका यहाँ पर H और ये C किसी से भी जुड़ा हो, तो ये जो है, तो आपका जो प्राइमरी कार्बन रहा होगा तो वो आपका एल्डिहाइड में टूटेगा, रिडक्टो ओजोन। जो सेकेंडरी था वो कीटोन बन जाएगा, लेट सपोज इट इज दिस, इस तरीके से। तो ये क्या है, एक प्राइमरी था तो एल्डिहाइड बनेगा, दूसरा था सेकेंडरी तो कीटोन बन जाएगा। लेकिन अगर यही ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की बात होती तो ये जो प्राइमरी था ये एसिड में कन्वर्ट हो जाए, बस इतना ही अंतर होता। तो अब हमें समझ में आया कि जहां पर डबल बॉन्ड लगा है वहीं से ये क्या है, क्लीविज हुई और ये आपका एल्डिहाइड या कीटोन किसी में भी बदला। तो अगर हम उल्टा चलें, ये जहां पे बदले होंगे वहां पर डबल बॉन्ड ओ लगाओ, तो उनको हटा के हम वहां पर पूरा क्या लगा दें, एल्कीन वाला साइन लगा दें, मतलब डबल बॉन्ड। तो अगर हम देखें सबको, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO ये बना, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO ये बना, और आपका बना CHO CH2CHO प्रोपेन 1,3 डाइएल। तो इसमें तो दो जगह एल्डिहाइड बना, मतलब इसके यहां पर क्या रहा होगा, आपका एल्कीन रही होगी ये वाला कार्बन पे, इधर भी एल्कीन, क्योंकि यहां पर दो एल्डिहाइड बन गए। तो अगर हम इसको ऐड करें, मतलब इसके विपरीत चलें, ये जो आपका इधर से प्रोडक्ट ये बन रहा था तो इधर से ऐसे जाए, तो अगर हम इसका एल्कीन बनाएं, देखो ये सारी ट्रिक्स हैं कैसे हम एल्कीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हुआ CH2, यहाँ जहाँ पर CHO था ये इधर, और ठीक है, तो आप एक तरफ ये जोड़ दो, एक तरफ ये जोड़ दो। तो मैं अगर एक तरफ ये जोड़ू ये और एक तरफ ये, तो ये आपको प्रोडक्ट ये तीनों मिले हैं प्लस प्लस करके। तो अगर जहां पर ये डबल बॉन्ड हो है, इसकी जगह डबल बॉन्ड लगा दिया जाए तो आपका एल्कीन मिल जाएगा, मतलब ये आपका ये डबल बॉन्ड, तो ये हटा के यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये CH यहाँ CH2, फिर आपका CH यहाँ दोनों हटा के यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, ये CH ये CH, ये हो गया आपका एल्कीन, जो हमें एल्कीन था वो ये हो गया। तो इस एल्कीन में आप नंबरिंग करिए जहां से डबल बॉन्ड, 1, 2,
3, 4, 5, 6, तो इसका नाम हो जाएगा 1,4-hexa-diene, मतलब जो डबल बॉन्ड है वो आपको 1 और 4th पोजीशन पे आ रहा है। तो ये जो एल्कीन है हमारी वो आपकी ये, दिस इज द एल्कीन, और इस एल्कीन का नाम है आपका 1,4-hexa-diene। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ए नंबर का है, तो ए नंबर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर, 1,4-hexa-diene। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।